हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बिंक एप्लीकेशन में अपना फोटो या वीडियो एडिट करने के लिए आते हैं और यहाँ पर जैसे ही ट्राई नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो है यहाँ पर नेटवर्क इशू लिख किया जाता है, नेटवर्क इशू ट्राई अगेन। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, इस वीडियो में आज आप लोग को यही बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा और आप अपना जो है फोटो वीडियो को एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले यहाँ से बैक आ जाना है और आप लोगों को जो है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और कर दीजिएगा। तो अपना बिंक एप्लीकेशन में नेटवर्क इशू को यहाँ पर सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो है दो स्टेप बताऊंगा, जिससे कि आप फॉलो करते हैं तो आपका जो है प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर बिंक एप्लीकेशन को होल्ड करके रखिएगा और यहाँ पर ऐप इन्फो में आइएगा और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा। क्लियर डाटा पर क्लिक करके यहाँ पर से आप लोग क्लियर ऑल डाटा कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको जो है अपना मोबाइल सेटिंग को ऑन कर लेना है। मोबाइल सेटिंग ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके, या आपको ऊपर में सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा जहां पर कि आप लोगों को यहां पर सर्च करना है DNS लिख के सर्च कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने DNS का सेटिंग आ जाएगा, प्राइवेट DNS लिख के उसके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर ऑफ रहेगा, इसको जो है आप लोगों को ऑन करके और यहाँ पर से आप लोगों को जो है dns.adguard.com यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है और सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको जो है बिंक एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। उसके बाद आपको यहाँ पर से एग्री करना है। सिंपली आपको सामने यहाँ पर जो है इसका सिंपल सा इंटरफेस है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर क्वालिटी वाला ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपको जितना भी आपको इनहांस करना है क्वालिटी, इस पर आपको जो है ट्राई पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं नेटवर्क इश्यू अभी जो है आप लोगों को लिख के आ रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ से बैक आ जाना है। और अब आप लोगों को बताता हूँ दूसरा स्टेप, जिससे कि आपका प्रॉब्लम 100% सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है सिंपली आ जाना है अपना प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर सर्च बार में आप लोग लिख देना है VPN, यहाँ पर लिख दीजिएगा और सर्च कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर से आपको सबसे फर्स्ट में यहाँ पर आ जाएगा सिक्योर VPN। तो इसको आप लोग जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा। हम यहाँ पर से जैसे कि इसको पहले से ही इंस्टॉल करके रखा हूँ यहाँ पर प्ले स्टोर से। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को जो है अपना इसको ओपन कर लीजिएगा अपना VPN को। उसके बाद ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस इसका आता है। तो आपको जो है सबसे आसान है इसको जो है ओपन करना और यूज करना। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से प्रोसेसिंग करेगा और कनेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर से आप लोग ऊपर से कट कुट कर दीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पर जो भी आता है इसको कट कर दीजिएगा और यहाँ पर से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको जो है यहाँ पर से जो भी बैकग्राउंड में चल रहा है उसको हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों के सामने यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना बिंक एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको जो है आ जाना है यहाँ पर क्वालिटी वाला ऑप्शन पे और यहाँ पर से ट्रायगन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर ट्रायगन पर क्लिक करिएगा तो देखिए अभी नेटवर्क इश्यू ही दिखाई दे रहा है। तो आपको जो क्या करना है, इसको जो है होल्ड करके रखना है और यहाँ पर से आप लोगों को जो है नीचे से क्लियर डाटा आपको कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से आपको इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। तो फिर से आप लोग इसको ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको जो है आना है फिर से क्वालिटी वाला ऑप्शन पे और यहाँ पर से ट्रायगन पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं क्लिक किया और यहाँ पर से आप लोगों को जो है स्टोरेज अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ पर से आइएगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पर प्रोसेसिंग होना शुरू हो गया है। और आप जो है इस प्रकार से अपना नेटवर्क इश्यू को सोल्व कर सकते हैं और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका जो है प्रॉब्लम सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं परसेंटेज शुरू हो गया है। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।